हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हो जाएगा गणपति जी का विसर्जन और विसर्जन के एक दिन पहले हम सब मिल करके यहाँ पे हवन करते हैं। हवन कंप्लीट होने के बाद भंडारा स्टार्ट होता है, जिसे महाप्रसाद भी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। हर साल गणपति जी हमारे यहाँ 10 दिन के लिए आते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और इन 10 दिनों में सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सबको बहुत मजा आता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को यहाँ के महाप्रसाद यानी भगवान के भोग को भी दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी चीजें भगवान को चढ़ाई गई हैं। सोसाइटी में सब ने मिलके बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ पे सैलेड रखा हुआ है, फिर रखा हुआ है मूंग दाल का हलवा, छोले की सब्जी और मिक्स वेज, पूड़ियाँ हैं, वड़ा, राइस और फ्राइड दाल, पापड़। ये थी मेरी प्रसाद की थाली। बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी प्रसाद बना था। सो थैंक यू फॉर एवरीवन जिन्होंने भी ये सब अरेंज किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सब कुछ। ये पूरे 10 दिन मैंने बहुत इन्जॉय किए। फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मैं जाती हूँ गणपति जी का दर्शन करने, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है। आज इवनिंग में इनका विसर्जन हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी बिल्कुल खाली खाली सी लगने लगेगी। 10 दिन बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने इस प्लेस पे, और ये है इनका लास्ट दर्शन। हम सब ने जितने ही इन्जॉयमेंट के साथ इनका वेलकम किया था, उतने ही इन्जॉयमेंट के साथ हम इनका विसर्जन भी करेंगे। विसर्जन की पूरी तैयारी हो चुकी थी और गणपति जी की मूर्ति को भी यहाँ पे रख दिया गया है विसर्जन के को ले जाने के लिए। सब डांस कर रहे हैं, हंसते खेलते सब उनका विसर्जन करने जाएंगे। और हमने इवनिंग में भी बहुत मज़े किए। हम गणपति जी की झांकी को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। अब आप भी इंजॉय करिए ये वीडियो। ये था गणपति विसर्जन जी का व्लॉग। गणपति जी अब जा रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।